लॉकडाऊनच्या काळात सुरक्षेच्या मुद्द्यावर बोलताना पोलीस आयुक्त मितेश कुमार यांनी सांगितले की आरएसएस मुख्यालय किंवा मोठमोठ्या संस्थांचे तपासणीचे सूत्र नियमितरित्या सुरू असतात आणि कडक सुरक्षा ठेवली जाते. तसेच नवरात्रीच्या पर्वावर विविध मंडळ मंदिरं रावण दहन दीक्षाभूमी आणि ड्रॅगन पॅलेस इथे मोठ्या प्रमाणात लोकांची गर्दी होत असते. या दरम्यान आरएसएसचं पथगमन होणार आहे. या सर्व गोष्टींना लक्षात ठेवून नागपूर पोलिसने कडक सुरक्षा बंदोबस्त केले आहेत. हमारे लिए आरएसएस हेडक्वार्टर्स और जो भी वाइटल इंस्टॉलेशन शहर में है उसकी सुरक्षा की ऑडिट हम पीरियोडिकली करते रहते हैं और पूरी तरीके से कड़क सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है. अभी नवरात्रि उत्सव के दरमियान नवरात्रि मंडल हो, गरबा का नियोजन है, रावण दहन है, दीक्षा भूमि, ड्रैगन पैलेस, इसमें मोटे संख्या में लोग आने वाले हैं. आरएसएस का पथ संचलन है, महत्व के व्यक्ति का आवागमन इस दरमियान शहर में होने वाला है. इसको सभी को ध्यान में रखते हुए नागपुर शहर पुलिस ने पूरी सुरक्षा ऑडिट सिक्योरिटी ऑडिट की है और जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं नागपुर शहर पुलिस दल और जो सिस्टर एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर आवश्यक उपायोजना की जा रही है. आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी का विषय है और सभी को इसमें बोलने में कोई संदेह नहीं है कि एक ये बहुत महत्व का वाइटल इंस्टॉलेशन है और पहले भी शहर में या दूसरे जगह पे कुछ प्रकार के अटेम्प्ट्स हुए हैं. उसको ध्यान में रखते हुए बहुत कड़क व्यवस्था की गई है और हम पीरियोडिकली उसकी सिक्योरिटी ऑडिट करते रहते हैं. किसी भी प्रकार की अपवादात्मक घटना नहीं होगी इसके लिए पुलिस दल पूरी तरीके से तैयार है और कोई घटना अगर होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे जो पथक हैं और जो इस प्रकार के जो स्टेट लेवल पे जो टीम्स हैं पूरी तरीके से तैयार है. डेफिनेटली मैं बताऊंगा, जैसा मैंने बताया कि ये ऑलरेडी टॉप प्रायोरिटी का विषय है और हम हमेशा ऑडिट करते रहते हैं. अभी जो कुछ डेवलपमेंट्स अलग अलग राज्य या देश में हमारे देश में जो हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए और नवरात्रि उत्सव के दरमियान शहर में बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का भाविकों का आना आते हैं उसको ध्यान में रख के आवश्यक बीफअप की गई है सिक्योरिटी.